नमस्कार और स्वागत है आपका हेलो इंग्लिश के इस स्पेशल लेसन में, जिसमें हम सीखेंगे 10 तरीके हाउ आर यू का जवाब अंग्रेजी में देने के। जी हाँ, जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे नया दोस्त हो चाहे पुराना, अक्सर पहला सवाल होता है हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। ज्यादातर हम हाउ आर यू का जवाब देते हैं आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूं। आज सीखते हैं हाउ आर यू के कुछ और इंटरेस्टिंग जवाब, ताकि आप हर स्थिति में उचित उत्तर दें और साउंड करें अंग्रेजी में ज्यादा फ्लुएंट और ज्यादा कॉन्फिडेंट। चलिए शुरू करते हैं। आई एम फाइन तो है ही सबसे कॉमन और सिंपल जवाब, इसका मतलब होता है मैं ठीक हूं। इसी तरह आई एम गुड भी बोल सकते हैं आप, यानी मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन के बाद लोग अक्सर थैंक यू बोलते हैं। जी हाँ, तो पहला ऑप्शन आपके लिए है आई एम गुड थैंक यू, या आई एम फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी मैं अच्छा हूं पूछने के लिए धन्यवाद। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। एक टिप आपके लिए, अंग्रेजी में जब कोई हमने पूछे हाउ आर यू, तो जवाब में अपना हाल तो आप बताइए ही, पर उनका हाल भी जरूर पूछिए। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप उत्तर देंगे आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, यानी मैं ठीक हूं धन्यवाद, और आप। और ये हो गया आपका दूसरा तरीका हाउ आर यू का जवाब देने के लिए। चलिए, एक टिप और आपके लिए। शॉर्ट में कई बार लोग हाउ आर यू का जवाब सिर्फ फाइन या गुड बोलकर भी देते हैं। ऐसा कहना ज्यादा कैजुअल या अनौपचारिक है। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और जवाब में आप कहेंगे फाइन एंड यू, यानी ठीक हूं और आप। चलिए, तीसरा तरीका आपके लिए प्रिटी गुड कहकर जवाब देना। जी हां, प्रिटी गुड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइन या गुड की जगह। प्रिटी गुड का मतलब भी है काफी बढ़िया, और ये फाइन कहने से ज्यादा अनौपचारिक तरीका है इसी जवाब को देने का। आप कैसे कहेंगे आई एम प्रिटी गुड थैंक यू फॉर आस्किंग। ध्यान दीजिए प्रिटी शब्द के उच्चारण पर, आप इसको प्रिटी ना कहिए, इसका सही उच्चारण है प्रिटी। जी हां, जो टी साउंड है वह ड जैसा ज्यादा सुनाई देता है, और आप बोलते समय अपनी जीभ या अपनी टंग को रोल करते हैं। मेरे पीछे दोहराइए डी डी। जी हां, ये ऐसी साउंड है जो कि हिंदी वर्णमाला में नहीं होती, और अक्सर हिंदी भाषी लोग इसको सही नहीं प्रोनाउंस कर पाते। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए प्रिटी प्रिटी प्रिटी। आई एम प्रिटी गुड आई एम प्रिटी गुड। चौथा ऑप्शन है आपके लिए नॉट बैड कहना। नॉट बैड दोस्तों हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कहना हो कि आप ठीक हैं या आपकी हालत बुरी नहीं है। जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, नॉट बैड यू टेल मी, यानी मैं अच्छा हूं और आप बताइए। चलिए अब देखते हैं आपका पांचवा स्टाइल ग्रेट यूज करना। जब आप बहुत खुश हो या बहुत बढ़िया कर रहे हो तब बोलेंगे ग्रेट, यानी बहुत अच्छा। हाउ आर यू के जवाब में या तो आप सिर्फ ग्रेट बोल सकते हैं या फिर आई एम डूइंग ग्रेट भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम डूइंग ग्रेट थैंक्स, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग ऑप्शन। छठा स्टाइल आपके लिए हाउ आर यू का जवाब देने का है कुडंट बी बेटर, यानी कि इससे अच्छा तुम्हें हो ही नहीं सकता था। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे, जाहिर है तब जब आप बहुत ही ज्यादा खुश हो या सातवें आसमान पर। जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप बोलेंगे कुडंट बी बेटर आई जस्ट गॉट प्रमोटेड, यानी भाई इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कांट कंप्लेन।
हाउ आर यू के जवाब में कुछ लोग कांट कंप्लेन ये भी बोलते हैं। ये बहुत ही अनौपचारिक तरीका है और इसका मतलब है सब ठीक है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जैसे कांट कंप्लेन, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ, यानी कोई शिकायत नहीं है, सब ही बढ़िया चल रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन, आठवां ऑप्शन आपका, जो भी बहुत ही इनफॉर्मल है, वो है सेम एज ऑलवेज या सेम ओल्ड। इसका मतलब है बस पहले जैसा ही या वही पुराना। सेम एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर आस्किंग, यानी बस पहले जैसा ही, पूछने के लिए धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कुछ तरीके जब आप अच्छा महसूस ना कर रहे हो या उदास हो। तो अगला ऑप्शन है आपके लिए नॉट सो ग्रेट, इसका अर्थ है बहुत अच्छा तो नहीं। और इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब आपकी तबीयत खराब हो या कुछ ठीक ना हो रहा हो। जैसे हाउ आर यू, नॉट सो ग्रेट एक्चुअली, माय मॉम्स अनवेल, यानी बहुत अच्छा नहीं, मेरी मम्मी बीमार है। और टेंथ और अगला तरीका यह दर्शाने का कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं है कुड हैव बीन बेटर, इसका अर्थ है बेहतर हो सकता था। या ये भी इस्तेमाल होता है जब आप दुखी हो या परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं हो। जैसे कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आप जवाब देंगे कुड हैव बीन बेटर, माय सर्वेंट हैज जस्ट क्विट, यानी मेरी स्थिति और बेहतर हो सकती थी, मेरे नौकर ने अभी अभी काम छोड़ दिया है। चलिए अब आपके लिए एक क्विक रीकैप हमारा टॉप 10 काउंटडाउन हाउ आर यू का जवाब देने के लिए। नंबर एक पर है आई एम गुड थैंक यू या आई एम फाइन थैंक यू फॉर आस्किंग। दूसरे नंबर पर है आई एम फाइन थैंक यू व्हाट अबाउट यू। इसके बाद हमने सीखा आई एम प्रीटी गुड थैंक यू फॉर आस्किंग। और चौथे नंबर पे था नॉट बैड यू टेल मी। हमारा पांचवा ऑप्शन था आई एम डूइंग ग्रेट थैंक्स। और छठा हमने सीखा कुडंट बी बेटर। सातवें नंबर पर हमने सीखा यूज करना कांट कंप्लेन। और आठवीं पोजीशन पर था सेम एज ऑलवेज या सेम ओल्ड। नौवें नंबर पर था हमारा ऑप्शन एक नेगेटिव स्टेटमेंट नॉट सो ग्रेट एक्चुअली। और फाइनली क्लोजिंग द चार्ट एट नंबर 10 स्पॉट वाज कुड हैव बीन बेटर। तो ये थे हमारे 10 तरीके हाउ आर यू के जवाब देने के लिए। हमें बताइए आपको ये तरीके कैसे लगे। और मैं यदि आपसे पूछूं हाउ आर यू डूइंग टुडे, आप इसका उत्तर मुझे भेजिए इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के जरिए। मैं हूं निशांत, हेलो इंग्लिश ऐप का फाउंडर, और मैं मिलूंगा आपसे इसी चैनल के अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी अंग्रेजी की हेलो इंग्लिश ऐप के जरिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आप कुछ सीखे तो आप इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए अगले वीडियो के लिए अलविदा, हैप्पी लर्निंग ऑन हेलो इंग्लिश, बाय।